डू यू वॉन्ट टू नो पर्पज ऑफ योर सोल इन दिस लाइफ टाइम? ये हम सब का क्वेश्चन होता है कि हमारा पर्पज़ क्या है सोल का इस लाइफ टाइम के अंदर। सो ये हम जानने की कोशिश करते हैं थ्रू आत्मकारक प्लैनेट्स। सो बिफोर आई स्टार्ट दी प्रेजेंटेशन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पस? ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, तो इसको हम कैसे जान सकते हैं, तो ये हम आगे बताते हैं आपको। आत्मकारक मीनिंग का हम पहले जानते हैं कि मीनिंग क्या होता है आत्मकारक का। आत्मा मीन्स सोल एंड कारक मीन्स सिग्निफिकेटर। आत्मकारक इज सिग्निफिकेटर ऑफ सोल डिजायर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आत्मकारक प्लैनेट्स के बारे में। तो कैसे जो है आपके कुंडली के अंदर जो आत्मकारक प्लैनेट, जिसको हम अभी भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। आत्मकारक प्लैनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन द चार्ट। द सन इज द नेचुरल आत्मकारक ऑफ कुंडली इन जनरल। जो हम नॉर्मली कुंडली चेक करते हैं उसमें सन को नेचुरली आत्मकारक बोला गया है। वो तो हो गया कि नॉर्मल हम जब चेक करते हैं, बट इफ एनी प्लैनेट विच होल्ड्स हाईएस्ट डिग्री इन हॉरोस्कोप बिकम द चार आत्मकारक। तो जो आपकी कुंडली के अंदर जिसका भी हाईएस्ट डिग्री है किसी प्लैनेट का, वो जो है वो उसको बोलते हैं चार आत्मकारक। तो वो बेसिकली आपका जो है वो आपके बताएगा कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या है आपके बारे में। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है। आत्मकारक प्लैनेट एंड इट्स पोजिशन होल्ड्स द आंसर टू वाई यू केम बैक ऑन दिस अर्थ एंड हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द रोल एंड मिशन ऑफ योर करंट लाइफ। तो जो आत्मकारक प्लैनेट है वो आपके आंसर्स को बता सकते हैं कि आपका जो पर्पस है अर्थ पे आने का वो क्या है, और आपका जो है क्या मतलब को क्या मिशन करना है, क्या इस करंट लाइफ के अंदर क्या आपको अचीव करना है, तो इसके बारे में आपको जो है आत्मकारक प्लैनेट बताते हैं। इसको चेक कैसे करना है, हमने दो एग्जांपल लिए हैं। एक लेफ्ट पे हमने डिग्री दिखाई है एग्जांपल वन के अंदर, और एक सेकंड एग्जांपल में राइट में दिखाई है। तो लेफ्ट में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो डिग्रीज हैं वो आप देखोगे तो सूर्य की डिग्री, सन की डिग्री जो है वो 20 डिग्री 40 मिनट्स पे है, जो कि सबसे ज़्यादा डिग्री है बाकी प्लैनेट के कंपेरिजन में। तो इसलिए जो है सन जो है वो इस केस में जो है आत्मकारक प्लैनेट हो जाता है, ठीक है। और एग्जांपल टू में देखते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मून की डिग्री भी काफ़ी हाई है, 28.14 डिग्री है, लेकिन जुपिटर की उससे भी हाईएस्ट डिग्री है, तो 28.55 डिग्री लेके जो है जुपिटर वो हाईएस्ट डिग्री पे है। तो इसलिए आत्मकारक ग्रह इस एग्जाम्पल के लिए जुपिटर बनता है। तो ये कैसे आगे हमें हेल्प करते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि अगर सन है, जुपिटर है, सैटर्न है, वो हमें क्या बताना बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ का, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का सन जो है वो आत्मकारक ग्रह बन के आता है, मतलब हाईएस्ट डिग्री पे है किसी कुंडली में, तो नेटिव विच हैज सन एज आत्मकारक प्लैनेट सीक सक्सेस पावर फेम एंड स्टेटस एंड होल्ड ग्रेटर वैल्यू फॉर हायर पोजिशन। तो जिसका भी आत्मकारक प्लैनेट सन है वो सक्सेस को, पावर को, फेम को, स्टेटस को, इसको जो है काफ़ी हाई वैल्यू देता है। सच नेटिव ऑटोमेटिकली पजेस लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि सन जो है वो वैसे भी हम बोलते हैं कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो ये तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर नेचर होता ही है। इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, सच पर्सन इज करेजियस डायनामिक बट मे समटाइम बी एरोगेंट एंग्री एंड होल्ड हाई ईगो ऑल्सो। तो जो इसका क्वालिटीज है हमने बताया कि काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे लोग, करेजियस भी होते हैं, डायनेमिक भी होते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि एरोगेंट भी होते हैं, एंग्री एंड होल्ड हाई ईगो ऑल्सो। सो लेसन फॉर दिस नेटिव इज टू लर्न अबाउट अथॉरिटी, ईगो एंड पावर। इन दिस लाइफ टाइम दे नीड टू ओवरकम देयर ईगो एंड बिकम मोर हम्बल। तो इस लाइफ टाइम के अंदर जो है इनको अपनी ईगो को जो है वो कंट्रोल करना है, और इनको जो है इस लाइफ टाइम में काफ़ी हम्बल बनना है ओवरऑल। तो ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता चलता है कि हमें जो है इस लाइफ में अगर किसी का सन आत्मकारक है तो हमें क्या हमारे अंदर जो है क्वालिटीज़ हैं और क्या हमें इस जीवन में करना है।
हम देखते हैं मून के बारे में। अगर आत्मकारक प्लैनेट जो है मून है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री है किसी कुंडली के अंदर, अ पर्सन विद आत्मकारक मून इज यूजुअली केयरिंग एंड कंपैशनेट एंड एट द सेम टाइम इमोशनल, इमेजिनेटिव एंड इंट्यूटिव आल्सो। तो ये तो इनकी क्वालिटी है, काफ़ी केयरिंग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, इमोशनल भी होते हैं और इमेजिनेटिव होते हैं, काफ़ी इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। देयर स्ट्रेंथ्स आर देयर इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड डिवोशनल नेचर। तो ये ऐसे लोग काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं और काफ़ी इनकी क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, और इनकी जो है अपने काम के प्रति काफ़ी डिवोशन होती है। नेटिव विद आत्मकारक मून आर सेंसिटिव अबाउट डोमेस्टिक इशूज़। दिस नेटिव्स लव पीस, दिस इज द रीज़न वाई दे स्टे अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स। दिस नेटिव्स आर सोशेबल एंड लाइक द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। तो ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं अपने डोमेस्टिक इशू को लेके, और ये लोग जो हैं पीस पसंद करते हैं, शांति पसंद करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट से ये दूर रहना चाहते हैं। और ऐसे लोग काफ़ी सोशेबल होते हैं और फ्रेंड्स की कंपनी को काफ़ी लाइक करते हैं। दिस नेटिव्स आर वेरी क्रिएटिव एंड हैव इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड आर्ट्स। तो काफ़ी जैसे मैंने बताया ना ऊपर की काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, तो इनको इंटरेस्ट होता है म्यूजिक एंड आर्ट्स के अंदर। नेटिव शुड लर्न डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड फॉल्स लव। तो इस जीवन का जो इनका पर्पज़ और लाइफ है कि नेटिव को जो है इस जीवन में ट्रू लव और फॉल्स लव को उसका डिफ्रेंशिएट करना है, उसको समझना है। थर्ड प्लैनेट मार्स की बात करते हैं। अगर किसी का मंगल जो है वो आत्मकारक ग्रह है, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री है किसी कुंडली में, मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ फायर एलिमेंट एंड आत्मकारक। मार्स रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग करेज, हाई एनर्जी, गुड हेल्थ। तो एक फायर एलिमेंट है इसके अंदर, मार्स के अंदर, तो ये जो है करेज को, हाई एनर्जी को, गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। नेटिव इज फियरलेस एंड कमांडिंग एंड कैन कम्पीट इन एनी फील्ड, बी इट स्पोर्ट्स और एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस। तो काफ़ी ऐसे लोग एक्टिव होते हैं, काफ़ी कमांडिंग होते हैं और स्पोर्ट्स की फील्ड में या फिजिकल एक्टिविटी में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बट इनको जो है वायलेंस से जो है वो दूर रहना चाहिए। नेटिव इज स्पिरिचुअल एंड मे लर्न हठ योगा एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइज टू रिमेन स्ट्रांग एंड एवर यंग। दे आर ग्रेट फाइटर। अ स्ट्रांग आत्मकारक मार्स विल मेक अ ग्रेट लीडर हु कैन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। तो ऐसे लोग काफ़ी ऐसे मिला के काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो ये लोग हठ योग प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, अपने को यंग रखने के लिए। तो ऐसे लोग काफ़ी ग्रेट लीडर बनते हैं और ये सोसाइटी को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द लेसन फ्रॉम फॉर दिस नेटिव टू कंट्रोल एंगर एंड फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड एग्रेशन। तो इनको जो है अपना एंगर को जो है कंट्रोल रखना है और इनका जो पाथ होना चाहिए वो होना चाहिए नॉन वायलेंस। अगर आपका आत्मकारक ग्रह जो है मंगल है, तो ये आपका लेसन है इस जीवन काल के लिए। एंड ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड एग्रेशन। तो पैशन जो होता है वो अलग होता है और एग्रेशन अलग होता है। तो आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, आपको पैशन को फॉलो करना है। तो ये आपका जो है इस जीवन काल का जो है आपका लक्ष्य होना चाहिए। आत्मकारक ग्रह मरकरी की बात करते हैं। मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ स्पीच एंड पर्सन विद आत्मकारक मरकरी शुड ट्राई टू कंट्रोल हिज स्पीच एंड बी ट्रूथफुल ऑल टाइम्स। तो जैसे हम जानते हैं कि जो मरकरी है वो स्पीच का कारक होता है, वाणी का कारक होता है। तो ऐसे लोगों को जो है मतलब कि सच बोलना चाहिए, सच की तरफ जाना चाहिए, ना कि है ना झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो सच की तरफ जाएंगे तो उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। नेटिव आर पैशनेट अबाउट लर्निंग एंड ऑलवेज लर्निंग समथिंग न्यू। तो ऐसे लोग काफ़ी पैशनेट होते हैं कुछ ना कुछ नया लर्न करने के लिए। दे मे फेस अप्स एंड डाउन इन रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो ये इनको जो है अप्स एंड डाउन देखने पड़ते हैं कई बार रिलेशनशिप में फ्रेंड्स या कलीग के साथ। दे लव टू ईट हेल्दी फूड। नेटिव बिकम वेरी अडेप्टेबल, क्विक लर्नर, विटी एंड इंटेलिजेंट। तो ऐसे लोग जो हैं इस जीवन काल के अंदर जो हैं वो काफ़ी अडेप्टेबल, क्विक लर्नर होते हैं और इंटेलिजेंट भी बन सकते हैं। बट इनको है कि इस जीवन काल में इनको ट्रुथ का सहारा लेना, मतलब कभी इनको झूठ का सहारा नहीं लेना, ठीक है, और सच बोलते हुए तो जो है इनको आगे बढ़ना है इस जीवन काल के अंदर। ये जो है इनका, ये जीवन का जो है पर्पस ऑफ लाइफ होगा। हम बात करते हैं आत्मकारक जुपिटर ग्रह की बात करते हैं। किसी कुंडली में अगर जुपिटर जो है हाईएस्ट डिग्री पे है, तो वो जो है आत्मकारक ग्रह बनता है। जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम एंड इट प्रोवाइड्स द नेटिव नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, द वैल्यूज अटैच्ड विद ट्रूथफुल माइंड। तो ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी ट्रूथफुल माइंड के होते हैं, इनके पास काफ़ी नॉलेज और विजडम होती है, ठीक है। अ पर्सन विद आत्मकारक जुपिटर यूजली हैज स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, दे आर नेचुरल बॉर्न टीचर्स।
दे शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर गुरु सीनियर्स पेरेंट्स टीचर्स एंड केयर देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। तो ऐसे लोगों के जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल होते हैं और ये नेचुरल बॉर्न टीचर होते हैं। गुरु का मतलब ही टीचर का टीचर आता है, तो ये नेचुरल बॉर्न टीचर होते हैं। दे शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर गुरु, जिनसे भी वो ठीक है शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है आप चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, गुरु हों, तो उनको इनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दे शुड ऑल्सो केयर देयर चिल्ड्रन, तो इनके बच्चे इनको उनका पूरा केयर करना चाहिए। सच पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल थ्रू आउट हिज अर लाइफ। जुपिटर गिव्स गुड फॉर्चून टू नेटिव, दे कैन बी ग्रेट स्पीकर्स एंड मे बिकम स्पिरिचुअल लीडर ऑल्सो। जुपिटर जो है वो प्लैनेट होता है, फॉर्चून का प्लैनेट भी होता है, तो काफ़ी फॉर्चून भी देते हैं प्लैनेट। एंड दे कैन बी अ ग्रेट स्पीकर ऑल्सो, तो ये स्पीकर भी अच्छे होते हैं, साथ में स्पिरिचुअल लीडर भी बन सकते हैं। तो ये जो है इनका पर्पज़ है, इनको स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो है इस जीवन काल के अंदर इनको अपने आप को ले जाना चाहिए। तो इनका पर्पज़ ऑफ लाइफ जो है इस जीवन काल का ये रहना चाहिए। आत्मकारक, अगर वीनस की बात करते हैं, अगर किसी का हाईएस्ट डिग्री वीनस की है तो वो आत्मकारक ग्रह बनता है। वीनस सिग्निफाइज लव, वेल्थ, मैरिटल लाइफ एंड प्लेयर, लग्जरी एंड सोल पर्पज इज टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ लस्ट एंड ओवर इंटेलिजेंस इन मेटेरियल थिंग्स। तो वीनस का मतलब ये है कि लव, वेल्थ, मैरिटल लाइफ, ठीक है। तो ये इनका जो इस लाइफ टाइम का जो पर्पज़ है वो ठीक है लस्ट से और ओवर इंटेलिजेंस इन मेटेरियल थिंग्स से इनको दूर रहना चाहिए। नेटिव मस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट, तो इनको समझना चाहिए इस जीवन काल में कि लव अलग होता है और लस्ट अलग होती है, तो इसके बीच में इनको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए। पीपल विद आत्मकारक वीनस आर यूजली वेरी स्ट्रॉन्ग विद फाइन आर्ट्स, दे हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्केचिंग एंड पेंटिंग, नेटिव लाइक टू कीप देयर होम डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफुल। तो इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है फाइन आर्ट्स की तरफ, तो ऐसे लोग जो हैं स्केचिंग पेंटिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं और अपने होम को जो है अच्छा डेकोरेट करते हैं और ब्यूटिफुल रखते हैं। दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ आर्ट्स इंक्लूडिंग एक्टिंग, सिंगिंग, डांस एंड एंटरटेनमेंट। तो ये इनका जो है काफ़ी इंक्लिनेशन रहता है कि एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग एंटरटेनमेंट में इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। ही और शी शुड हैव गुड एंड क्लीन करेक्टर, तो इनका जो है करेक्टर जो है इनको क्लीन रखना चाहिए। तो एक तो इनको सीखना चाहिए कि दे शुड अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट एंड दे शुड क्लीन देयर करेक्टर इन दिस लाइफ टाइम। तो अब हम बात कर रहे हैं आत्मकारक सैटर्न, किसी का भी अगर शनि जो है वो हाईएस्ट डिग्री पे है तो वो आत्मकारक प्लैनेट बनता है। आत्मकारक सैटर्न इंडिकेट द डिजायर ऑफ सोल टू परफॉर्म द ड्यूटी एंड मेंटेन डेमोक्रेसी इन द एनवायरनमेंट। तो क्योंकि ये कर्म का कारक है शनि, तो इनको इस जो इनका जो डिजायर होती है सोल की वो है ड्यूटीज को परफॉर्म करना और मेंटेन डेमोक्रेसी इन द एनवायरनमेंट। आत्मकारक सैटर्न मेक्स अ पर्सन मेच्योर इवन फ्रॉम यंग एज, ऐसे लोग यंग एज से ही काफ़ी मेच्योर बातें करते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। इट गिव्स अ पर्सन अ वेरी ड्यूटिफुल नेचर, दे आर द मोस्ट ऑनेस्ट एंड रिलायबल पर्सन यू विल मीट। नेटिव फील कंफर्टेबल विद द लोन टाइम अ नीड फॉर इंटेंस स्टडी प्रैक्टिसिंग अ स्किल और प्रोजेक्ट। तो ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी ड्यूटिफुल नेचर के होते हैं, तो साथ में काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होते हैं, और इन पे जो है आप ट्रस्ट कर सकते हैं, काफ़ी रिलायबल होते हैं। और ये लोग जो है अकेले में काम करना पसंद करते हैं और काफ़ी अपने इंटेंस स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने स्किल को लेके, प्रोजेक्ट को लेके। द सोल नीड टू लर्न टू ओवरकम लोनलीनेस एंड हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। तो इनको जो इस जीवन का जो इनका पर्पस है, उनको लोनलीनेस से जो है इनको ओवरकम होना चाहिए और साथ में जो भी हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है इसको जो है ओवरकम करना है, ये पर्पस ऑफ लाइफ है। बट दिस इज़ गुड फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऐसे लोगों का जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो इस जीवन काल का जो है इनका पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं राहु की, आत्मकारक राहु, राहु प्लैनेट, अगर इनकी हाईएस्ट डिग्री है तो उस केस में क्या होगा। राहु एज आत्मकारक इज टफ पोजिशन, सच नेटिव मे बी चीटेड बाई अदर्स सेवरल टाइम। तो काफ़ी इनको ठीक है चीटिंग सहनी पड़ती है, काफ़ी लोग इनको चीट करते हैं। ही मे बी सिंपल एंड इनोसेंट, काफ़ी सिंपल रहते हैं, इनोसेंट होते हैं। द नेटिव इज एडवाइज टू अवॉइड बींग डिसीटफुल एंड डिसऑनेस्ट, इन लोगों को जो है किसी को धोखा नहीं देना और डिसऑनेस्टी नहीं दिखानी है। सक्सेस कम्स लेटर इन लाइफ, इनका जो है सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ ठीक होती है। इट्स पोजिशन
इट्स अ गुड पोजिशन फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। इनका भी जो है, जैसे मैंने शनि का बताया, अगर राहु अगर आत्मकारक प्लैनेट है तो इनकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी होती है काफ़ी। तो ये हमने आपको सभी प्लैनेट्स के बारे में, केतु जो है उसको आत्मकारक प्लैनेट में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया इसके बारे में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये जो आत्मकारक प्लैनेट्स हैं, अगर उनकी पोजिशन कुंडली के अंदर कहाँ कहाँ आएगा, मान लो फर्स्ट हाउस के अंदर अगर वो प्लैनेट प्लेस्ड है तो उसमें क्या पोजिशन, उसका क्या मतलब निकलता है। सो नेटिव गेट बर्थ इन नोबल एंड रॉयल फैमिली और एल्स अटेन्स हाई पोजिशन एंड लिव लाइक अ किंग। इट्स अ पीरियड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ऑल्सो। तो अगर पहले घर में आत्मकारक प्लैनेट होता है तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी रॉयल फैमिली के अंदर या नोबल फैमिली के अंदर जन्म लेते हैं, या अगर वहाँ पर अगर कोई नॉर्मल फैमिली में है तो इन जो है काफ़ी हाई पोजिशन में पहुँचते हैं और किंग की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये जो पीरियड है इनका सेल्फ रियलाइजेशन का भी पीरियड है। तो ये अगर कोई भी आत्मकारक प्लैनेट जो है फर्स्ट हाउस में होता है तो उसका मतलब ये निकलता है। अगर वो आत्मकारक प्लैनेट सेकंड हाउस में है तो नेटिव में बिकम सेंट एंड बी इनटू अ चैरिटी वर्क। तो ऐसे लोग जो हैं साधु बन जाते हैं और चैरिटी वर्क के अंदर काफ़ी काम करते हैं। अगर आत्मकारक प्लैनेट थर्ड हाउस में होता है, नेटिव मे बी वेल्दी एंड सक्सेसफुल इन मैनी अंडरटेकिंग एंड मे हैव रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन सोसाइटी। तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी मतलब पैसे वाले होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं अगर थर्ड हाउस के अंदर कोई भी आत्मकारक प्लैनेट बैठता है, और काफ़ी इनकी जो है सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्टेबल पोजिशन होती है। अब देखते हैं अगर वो आत्मकारक प्लैनेट जो है फोर्थ हाउस में बैठता है तो क्या होता है। नेटिव हैज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजियस एक्टिविटीज लाइक धर्मा सीरियसली, दे टेक्स धर्मा सीरियसली, नेटिव वर्क कैरियर एक्शंस आर पार्ट ऑफ धर्मा ड्यूटीज इन दिस लाइफ। तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं और जो है धर्म को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। धर्म मतलब कि अगर हम आज के उसमें देखें, कंटेक्स्ट में देखें, तो ऐसे मतलब कैरियर एक्शन जो है ये भी पार्ट ऑफ धर्म होता है, ड्यूटीज होती है, तो उसमें इनका फोकस होता है। अगर कोई भी आत्मकारक प्लैनेट फिफ्थ हाउस में बैठता है आपकी कुंडली के अंदर, तो नेटिव इज़ वेरी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड लर्न फ्रॉम एडवांस स्पिरिचुअलिस्ट साधु गुरुज टू सर्व द कॉज ऑफ प्रमोटिंग ट्रूथ इन द वर्ल्ड। तो ऐसे लोग जो काफ़ी ट्रूथफुल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और इनका भी काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर और इंटरेस्ट होता है, और बड़े बड़े जो हैं साधु महात्माओं से, स्पिरिचुअलिस्ट से, गुरु से जो है ये काफ़ी ज्ञान लेते हैं और टू सर्व द कॉज ऑफ प्रमोटिंग ट्रूथ इन द वर्ल्ड। तो सच को जो है प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड में ये इनका पर्पस होता है। अगर कोई भी आत्मकारक प्लैनेट फिफ्थ हाउस में बैठता है, इन केस आत्मकारक प्लैनेट सिट्स इन सिक्स हाउस, नेटिव मे फेस चैलेंजेस इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा, दे गेट मिनिमम फ्रूट्स फ्रॉम देयर एक्शंस। सिक्स हाउस में जो है नेटिव अगर कोई आत्मकारक प्लैनेट बैठता है तो उसमें इनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में जो कर्म इन्होंने किए होते हैं उसके जो है इनको कॉन्सिक्वेंसेस इस जन्म में फेस करने पड़ते हैं। तो उनको काफ़ी जो अपने एफर्ट्स करते हैं तो, लेकिन उनको फ्रूट्स जो है मतलब उनको जो फल मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। अब देखते हैं सेवन्थ एट नाइन्थ में क्या होता है। अगर सेवन्थ में बैठता है कोई आत्मकारक प्लैनेट तो नेटिव रिसीव ऑस्पिशियस रिजल्ट इन दिस लाइफ एंड ऑलवेज ब्लेस्ड बाई गॉड, नेटिव विल हैव वेरी गुड लाइफ पार्टनर, नेटिव हैज प्योर हार्ट एंड ऑल्सो कंपैशनेट एंड हैव गुड इंटेंशन। तो काफ़ी ऐसे लोग जो होते हैं ब्लेस्ड होते हैं गॉड से, नेटिव विल हैव वेरी गुड लाइफ पार्टनर, काफ़ी अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है इनको, नेटिव हैज प्योर हार्ट एंड ऑल्सो कंपैशनेट एंड हैव गुड इंटेंशन। तो काफ़ी कंपैशनेट होते हैं ऐसे लोग और इनके जो इंटेंशन काफ़ी अच्छी होती है। और अगर एट्थ हाउस में अगर बैठता है आत्मकारक प्लैनेट, नेटिव मे कन्फ्रंट सच इश्यूज एंड प्रॉब्लम इन इज इन दिस लाइफ विच इज़ मे बी हार्ड टू सॉल्व, दीज प्रॉब्लम्स में इंक्लूड फिजिकल एलिमेंट्स, चैलेंजिंग लॉन्गेविटी, डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स, नेटिव शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। तो इनको काफ़ी जो है इस जीवन में काफ़ी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और काफ़ी डिस्प्यूट्स इनकी लाइफ में होते हैं, और फिजिकल एलिमेंट भी काफ़ी इनको होती हैं, और ठीक है लॉन्गेविटी के भी और डोमेस्टिक डिस्प्यूट भी इनके काफ़ी होते हैं। तो इस तरह से जो है ये एट्थ पोजिशन जो है इसकी ये बनती है। इन केस अगर आत्मकारक प्लैनेट जो है नाइन्थ हाउस में बैठता है तो उसमें क्या होता है, नेटिव इज़ वेरी वेल्थी एंड फॉर्चुनेट, दिस पोजिशन ब्रिंग्स राजयोग टू द नेटिव एंड आत्मकारक प्लैनेट प्लेस इन दिस हाउस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ दी मोस्ट ऑस्पिशियस पोजिशन एंड ब्रिंग्स फुल रिजल्ट्स ऑफ फॉर्चून टू द नेटिव। अगर कोई भी आत्मकारक प्लैनेट नाइन्थ हाउस में बैठता है तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी मतलब
पैसे वाले होते हैं, वेल्दी होते हैं और फॉर्चुनेट होते हैं, और ये एक तरह का काफ़ी अच्छा राजयोग है जो कि ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो होता है काफ़ी मतलब अपनी फॉर्चून को एंजॉय करता है फुल पूरे पूरी लाइफ में, और ये काफ़ी एक ऑस्पिशियस पोजिशन मानी जाती है। अब देखते हैं कि 10th 11th 12th में अगर कोई आत्मकारक प्लैनेट बैठता है तो क्या होता है। 10th हाउस में अगर कोई आत्मकारक प्लैनेट बैठता है तो नेटिव रिसीव्स हैप्पीनेस थ्रू फैमिली होम एंड मदर। दिस पोजिशन प्रोवाइड्स लग्जरियस लाइफ एंड नेटिव इज ब्लेस्ड विथ एक्यूरूड एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज एंड लव फ्रॉम क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी हैप्पी होते हैं थ्रू, मतलब उनको फैमिली से, होम से, मदर से काफ़ी जो है खुशी मिलती है, और ऐसी पोजिशन जो है इनको काफ़ी इनकी लाइफ लग्जरियस लाइफ होती है, उनको जो है काफ़ी एसेट्स प्रॉपर्टी वगैरह इनको मिलती हैं, उनको काफ़ी प्यार मिलता है अपने फ्रेंड से और साथ में रिलेटिव से। अगर 11th हाउस में कोई बैठता है आत्मकारक प्लैनेट तो क्या होता है। द नेटिव इज बॉर्न विद करेज एंड कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट एनी टास्क इफेक्टिवली। ही इज इंटेलिजेंट एंड पोजेस अ फर्म नेचर। ही हैज़ गुड एनालिटिकल स्किल। नेटिव इज रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड बाई अदर्स ड्यू टू फियरलेसनेस इन एनी सिचुएशन। हिज इनकम विल बी वेरी गुड। तो ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी करेजियस होते हैं, और इनको जो है कोई भी टास्क दी जाए तो इनको आराम से कर सकते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और इनकी काफ़ी फर्म नेचर होती है, और इनकी जो एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं, और ये जो समाज के अंदर काफ़ी एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन की होती है, और ये लोग काफ़ी फेयरलेस काम करते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर, और इनकी इनकम जो है वो कंसिस्टेंट होती है, काफ़ी अच्छी इनकम होती है इनकी। और अगर कोई आत्मकारक प्लैनेट 12th में बैठता है तो क्या होता है। नेटिव विल बी रिच एंड ब्लेस्ड विद लक्ष्मी। नेटिव विल एंजॉय ऑल द वेल्थ। तो काफ़ी ऐसे लोग रिच होते हैं और इनको जो है लक्ष्मी की जो है काफ़ी कृपा होती है इनके ऊपर, और ऐसे लोग जो है अपनी वेल्थ को काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो ये मेरा बताने का पर्पज़ था आज। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।